गुड़गांव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। निर्दलीय विधायक के कब्जे वाली इस सीट के लिए कांग्रेस, बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखना यह है कि इस बार किस पार्टी की प्रतिष्ठा बच पाएगी गुड़गांव में। नई दिल्ली से करीब 32 किलोमीटर दूर हरियाणा के गुड़गांव में किस पार्टी की प्रतिष्ठा कायम रहती है, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शुमार गुड़गांव में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां के लोग बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसी आस्था है कि पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु द्रोणाचार्य जहाँ रहते थे उसका नाम गुरुग्राम था और आज का गुड़गांव उसी गुरुग्राम में बसा है। गुड़गांव में गुरुग्राम नाम का एक गांव भी है जिसका नाम अब गुड़गांव गांव है, जिसकी हालत अब जिस हाल में है उसे हम आपको दिखाएंगे कि क्या है गुड़गांव गांव की हालत। यहाँ या कोई सड़कें नहीं है, नहीं कोई नालियाँ हैं, ना ही कोई या को सुविधा वगैरह है कोई भी। यहाँ बिजली की भी कमी है जी, पानी की भी कमी है जी, और नाली गली तो आप ही देख रहे हो। गुड़गांव में सबसे बुरा हाल है जो पिछले दिनों से आया है कि गुड़गांव जाम, मतलब ये मान के चलो कि किसी आदमी को इमरजेंसी में कहीं जाना था 2-3 घंटे जाम के नाम का लेके चले। कानून व्यवस्था के नाम से आज कोई आदमी, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, आदमी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि गुड़गांव में करीब 2,87,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,37,000 से भी ज्यादा संख्या महिलाओं की है। वहीं करीब 60% वोटर शहरी इलाकों में रहते हैं, दूसरी तरफ 70% वोटर पंजाबी समुदाय से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सभी तबकों को कमोबेश अपने साथ जोड़कर चलने वाली पार्टी ही अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी। गुड़गांव की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि यहां उसकी प्रतिष्ठा बचती नहीं। कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी अक्सर यहां बाजी मार लेते हैं। इनेलो के साथ भी स्थिति कमोबेश बीजेपी जैसी ही है। इस बार भी गुड़गांव में एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुखबीर कटारिया मैदान में है, जो 2009 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे और फिलहाल सूबे की कांग्रेस सरकार में 3 विभागों के मंत्री हैं। पंजे और कमल के बराबर मटका यहाँ पे जोर है। पिछली बार भी 2009 में इन पंजे को भी और कमल को बुरी तरह पछाड़ा था और अपने आप में हर जो कैंडिडेट सोच रहे धुरंधर, लेकिन हमारे साथ पूरी 36 बरादरी का आशीर्वाद है। दूसरी तरफ कांग्रेस से धर्मवीर गाबा मैदान में हैं, जो 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। इस बार कांग्रेस को इस सीट पर जीत दिलाने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। गुड़गांव सीट से धर्मवीर गाबा कांग्रेस से हैं और 8वीं बार मैदान में हैं, जबकि 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। किससे लड़ाई है इस बार आपकी? देखो, मैं तजर्बे का आदमी लड़ रहा हूँ, मैं नहीं समझता मेरी किसी से लड़ाई है, क्योंकि ये लोग जितने मेरे मुखालिफ हैं ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। इसके अलावा INLD से गोपी चंद गहलोत हैं, जो एक बार यहां से जीतकर विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें उम्मीद है कि जनता इस बार उन पर ही भरोसा करेगी। इस बार आप फिर मैदान में हैं, क्या मुख्य आपके इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं? मैं तो ये कहूंगा कि गुड़गांव जो है आज सभी लोगों के लिए प्रतिष्ठा की जो बात है वो ये है कि पूरे हरियाणा में गुड़गांव की तस्वीर दिखा के ये कहा जाता है विकास के नाम पे कि आप हमारे हाथ मजबूत करो, हम आपके शहर को गुड़गांव जैसा शहर बना देंगे। परंतु गुड़गांव की इस 10 साल की इस निकम्मी सरकार में क्या बदहाली हुई है ये गुड़गांव वासी भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं। लेकिन इस बार गुड़गांव के प्रचार में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी उमेश अग्रवाल पिछली बार चुनाव हार गए थे। बीजेपी की प्रतिष्ठा हमेशा यहां पर दांव पर रही है, सीट नहीं मिलती है। बीजेपी की प्रतिष्ठा कभी दांव पर नहीं रही। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, पिछली बार ऐसा वातावरण नहीं था, इसलिए हरियाणा में हमने मात्र 4 सीटें जीती। तो भी गुड़गांव से हमेशा बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती रही है और अब विधानसभा चुनाव में भी यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। अब गुड़गांव सीट पर किस पार्टी की प्रतिष्ठा बचेगी, इसका पता तो नतीजा आने पर यानी 19 अक्टूबर को ही चल पाएगा।